ये छोटे से बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोगों के भूखे बच्चे सो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और तुम लोगों के पेट्रोल ही नहीं पूरे हो रहे हैं। लानत है तुम लोगों पे, ऐसे इक्तदार पे लानत है, ऐसी हुकूमत पे लानत है, डूब के मर जाना चाहिए। शर्मा यहाँ करो, चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ सियासतदान, ये पूरी की पूरे सियासतदान जितने भी हैं। और तुम लोग आवाम के मुलाजम हो, तुम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम नहीं सकते हो। इन हुक्मरानों ने इस आवाम का खून चूस लिया, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं इसमें इनको पता है क्या डर रहा है? ये गरीब आवाम का खून चल रहा है, ये एक एक करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ की जो गाड़ियाँ चला रहे हैं ये गरीब आवाम के खून से चला रहे हैं। 2% के लोग हैं, 4 साल के लिए तुम लोग आते हो, 4 साल के लिए 25 साल का मुलाजम तुम्हारे पाँव के नीचे होता है, 25 साल 30 साल उसकी सर्विस होती है और वो तुम्हारे साथ सफाइयों की तरह चल रहा है, नौकरों की तरह चल रहा है, वो तुम्हारा मुलाजम है या आवाम का मुलाजम है? और तुम लोग आवाम के मुलाजम हो, तुम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम नहीं सकते हो। तुम लोग शर्मा यहाँ करो, चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ सियासतदान, ये पूरी की पूरे सियासतदान जितने भी हैं, तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ये छोटे से बच्चे को देखो, क्या गरीब आवाम, ये छोटे से बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोगों के भूखे बच्चे सो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और तुम लोगों के पेट्रोल ही नहीं पूरे हो रहे हैं। लानत है तुम लोगों पे, ऐसे इक्तदार पे लानत है, ऐसी हुकूमत पे लानत है, डूब के मर जाना चाहिए। और खुदा रहा इस आवाम से यही गुजारिश है कि ये आटे की लाइनों में, चीनी की लाइनों में खड़े होने के बजाय इन रोडों पे खड़े हो, ताकि इस हुकूमत को थोड़ा सा होश आए। जिस वक्त ये रोड बंद होंगे आपको तकलीफ होगी, मुझे तकलीफ होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको और मुझे होगी, लेकिन ये रोड, ये चौराहे बंद होंगे तब जाके इस हुकूमत को इन मसाइल का पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल क्या है, आवाम के अंदर मसले क्या है। खुदा रहा मेहरबानी करके हम लोग, हमारी आप लोगों से यही गुजार है, इस गरीब आवाम का खून मत चूसिए, मत चूसिए, जो चूस लिए बहुत है। इसके बाद अब आवाम के अंदर बर्दाश्त नहीं है, पूरे मुल्क में पेट्रोल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी निकलने की देर है, एक चिंगारी निकलेगी पूरे मुल्क को जला के राख कर देगी। और मत देखो उस चिंगारी को, जिस वक्त वो चिंगारी निकली आप लोगों की राख भी नहीं मिलेगी।